गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी ए फाइनल ईयर की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति। लास्ट वीडियो में हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा और इसके अलावा मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है और इसे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की है। आगे हम देखते हैं आज मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। मुद्रास्फीति, चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुद्रास्फीति ऐसी परिस्थिति है जिसमें मुद्रा की, जो आप कह सकते हैं कि कीमतों में निरंतर वृद्धि रहती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, ये प्रवृत्ति निरंतर चलती हुई रहती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से कारण हैं जो कीमतों में वृद्धि करते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो सभी कारण जो कीमतों में परिवर्तन करते हैं वे मुद्रास्फीति के कारण माने जा सकते हैं। तो हम देखते हैं, जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो ये मुद्रा प्रसार का कारण बनता है, यानी मनी सप्लाई आपके मनी डिमांड से ग्रेटर रहती है तो ऐसी परिस्थिति में यह इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है। कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है, आप इनकम अर्न करते हो और आपके पास में मनी इनकम सबसे ज़्यादा आती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप मार्केट जाके कोई भी वस्तु या सेवा खरीदेंगे। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप जैसे और भी बहुत सारे व्यक्तियों की सबकी है ना मनी इनकम बढ़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में सभी लोग क्या करेंगे, मार्केट जाकर अपनी उस मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करेंगे। यानी ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि वस्तु सेवा की पूर्ति तो नहीं बढ़ी, लेकिन चूँकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, ठीक है, और इस मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने की वजह से उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने की वजह से अधिक मुद्रा कम वस्तु का पीछा कर रही है। यानी उत्पादन तो है, प्रोडक्शन तो सिर्फ आपके इतना ही है, आउटपुट की बात करें, लेकिन यह है कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा मुद्रा थोड़े से उत्पादन के साथ चारों ओर चक्कर काट रही होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इस वस्तु की जो वस्तु कम है, सीधी सी बात है, उसकी जिसकी आपूर्ति या सप्लाई वस्तु की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इन परिस्थितियों में इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी जिन वस्तु इन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए पहले आप कम मनी सप्लाई, मान लीजिए मनी सप्लाई इतने कम मनी सप्लाई से आप इन वस्तुओं को खरीद पा रहे थे पहले, अब चूँकि मनी इनकम बढ़ चुकी है, इस वजह से क्या हुआ, इससे आप जो उत्पादन है उतने दिए हुए उत्पादन के लिए ही आप अधिक मुद्रा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति अगर उसकी डिमांड से ज़्यादा होती है तो यह इन्फ्लेशन का एक कारण बनता है। इसके अलावा हम देखें कि जब मौद्रिक आय में धन और उपार्जन क्रियाओं की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि होती है तो मुद्रा प्रसार उत्पन्न होता है। यहाँ पर भी वही बात आ गई है कि अगर मान लीजिए आपकी मॉनेटरी इनकम, ठीक है, आपकी मॉनेटरी इनकम वो बढ़ा दी जाए, ठीक है, मॉनेटरी इनकम बढ़ा दी जाए और ये बढ़ाकर M/1 कर दी जाए, लेकिन जो आउटपुट है या जो भी आप जिन भी वस्तुओं का उत्पादन करके जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपने जो उत्पादन किया है वो उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे, कम रहे, या उसकी जो बढ़ने की गति है मनी इनकम के बढ़ने की गति से धीमी रहे, यानी कुछ भी कहें हम ये कह सकते हैं कि जो बढ़ी हुई मनी इनकम है उसकी अपेक्षा में आउटपुट में जो वृद्धि है वो कम रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि धन और उपार्जन क्रियाओं की अपेक्षा तीव्र गति से मौद्रिक आय बढ़ रही है तो मुद्रा प्रसार उत्पन्न होता है। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन से हैं, पहला है मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक, यानी कि किसी भी तरीके से अगर आपकी मनी इनकम बढ़ती है तो चूँकि ऐसा करने से ही आपके मनी इनकम बढ़ने से ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ही वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो इन परिस्थितियों में ये निरंतर कीमतों के बढ़ने की स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, दूसरा है उत्पादन की मात्रा व पूर्ति घटाने वाले तत्व। अगर मान लीजिए उत्पादन की जो मात्रा है वह स्थिर रहती है या इन परिस्थितियों में जबकि कीमतें बढ़ रही है और उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्पादन स्थिर है या घट रहा है, तो ये सारी परिस्थितियाँ क्या कर रही हैं, मुद्रास्फीति को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं।
मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक कौन कौन से हैं अगर हम इनको अध्ययन करते हैं तो जैसा है विकास व्यय, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस प्रकार के व्यय का चूंकि शीघ्र फल नहीं मिलता है लेकिन लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, और चूंकि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि ना होकर सिर्फ मौद्रिक आय में वृद्धि होने से क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी कारण से इसी तरीके से हम देख सकते हैं युद्धकालीन व्यय, युद्धकालीन व्यय क्या है कि गैर उत्पादक व्यय की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्शन तो कुछ नहीं होता है लेकिन जनता के आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है युद्ध के ऊपर, तो यानी लोगों के पास में कहीं ना कहीं मॉनिटरी इनकम या मनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है, उनके पास में हाथ खर्च के लिए पैसा बढ़ता जा रहा है, तो चूँकि उत्पादन तो बढ़ नहीं रहा है हाथ खर्च का पैसा बढ़ रहा है, तो ये परिस्थिति भी आप कह सकते हैं मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। तीसरा है हीनार्थ प्रबंधन, चूँकि सरकार क्या करती है, हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ समझिए जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होता है तो ऐसे स्थिति में सरकार जो घाटे की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करती है या जो भी व्यवस्था करती है वो आपके हीनार्थ प्रबंधन आते हैं। तो नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है, या तो लोन लेगी अपने घाटे की पूर्ति के लिए या कर लगाएगी, ठीक है, तो ये दोनों काम ना करके घाटे के बजट की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट नोट भी छाप सकती है, तो चूंकि अतिरिक्त नोट छापने से क्या है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रा की पूर्ति जैसे ही बढ़ेगी और ये जैसे ही अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में आएगी ये मनी, तो चूंकि कम वस्तुएं प्रोडक्शन में आई हुई है और मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है तो ये परिस्थितियाँ आपके मुद्रा स्फीति को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक द्वारा शाखा निर्माण को प्रोत्साहन, जब देश का केंद्रीय बैंक जैसा कि हमारे देश के संदर्भ में देखें तो RBI सरकार के आदेश अनुसार शाख निर्माण को प्रोत्साहन देता है, तो शाख निर्माण के प्रोत्साहन के लिए क्या जरूरी है कि बैंक रेट कम होनी चाहिए, खुले बाजार की क्रियाएं ज़्यादा होनी चाहिए और देश की बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों तक भी तक ग्रामीण क्षेत्रों तक अवेलेबल रहनी चाहिए, तो चूँकि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों तक रहेंगे तो वो लोन दे सकेंगे ग्रामीण लोगों को, तो और इसके अलावा चूँकि बैंक रेट कम होंगी तो ब्याज दरें कम हो जाएंगी, और ब्याज दरें कम होंगी तो निवेशकर्ता क्या करेंगे, अधिकाधिक मात्रा में बैंकों से निवेश के लिए पैसा ले सकेंगे। इसके अलावा केंद्रीय बैंक अगर खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेच रहा है या सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कहीं ना कहीं मुद्रा जो उस सरकारी प्रतिभूतियों के बराबर की जो मुद्रा है या उसके वैल्यू की जो मुद्रा है उसे बाजार में डालनी होगी, तो जैसे ही किसी भी सोर्स से अगर बाजार में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो इन सब का परिणाम क्या होगा कि कीमतों में वृद्धि होगी, और कीमतों में वृद्धि चूँकि उत्पादन स्थिर है तो ऐसी परिस्थिति में कीमतें उन वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई सी होंगी, यानी आप कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को पहले आप कम पैसे में खरीद पा रहे थे उन्हीं वस्तुओं के लिए आप अतिरिक्त व्यय कर रहे हैं या अतिरिक्त पैसा देना दे पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट है व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण, जब निवेशकर्ताओं को ठीक है थोड़ी सी जमा से वो बहुत अधिक मात्रा में अपने पास में जो पैसा है उसका कुछ परसेंट अपने पास में रखकर बाकी सब वो बाजार में ऋण के रूप में दे देते हैं, तो ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं मॉनेटरी इनकम को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाएं हैं और लोगों के पास में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है करों में छूट, अगर सरकार करों में छूट देती है तो चूँकि छूट देने से गवर्नमेंट के पास में वो पैसा नहीं आएगा और वो अतिरिक्त जो पैसा जो कि कर में छूट देने की वजह से आया है वह लोगों के पास में रहेगा, ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करेंगे उस पैसे को खर्च करेंगे, और जब भी वो खर्च करेंगे तो मुद्रा चूँकि वो खर्च करेंगे तो ऐसे में वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट उधार कार्यक्रमों में ढील व पुराने ऋणों
वे ब्याज का भुगतान। अगर गवर्नमेंट, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई दफ़े गवर्नमेंट जो उनके जो ऋण कार्यक्रम होते हैं उनमें ढील दे देती है, या आप कह सकते हैं कि लोन चुकाने को लोन माफ़ी कर देती है, ऋण माफ़ी कर देती है, तो ये सब परिस्थितियां क्या करती हैं, मुद्रा की मात्रा को इकोनॉमी में बढ़ा देती हैं। और ऐसे में जब मनी सप्लाई बढ़ जाती हैं तो कीमतें उन्हीं वस्तुओं के लिए अत्यधिक होती जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर पुराने ऋणों का या ब्याज का भुगतान करती है, तो चूंकि लोगों के पास में किसी भी रूप में पैसा आ रहा है, और जब भी वो पैसा आएगा तो वो उस अतिरिक्त पैसे का क्या करेंगे, उसका उपयोग वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है सार्वजनिक व निजी विनियोग में वृद्धि। चूँकि जब देश में सरकारी तथा निजी विनियोग बढ़ता है तो दोनों ही प्रकार के व्यय से एक निश्चित अवधि तक उत्पादन तो नहीं बढ़ पाता, पर लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और जो कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। यानी इन्वेस्टमेंट को जब भी आप बढ़ाते हो तो ऐसा नहीं है इनकम बढ़ेगी, लेकिन वो इनकम बढ़ने से पहले मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो वो कीमतों को बढ़ा देगी। तो ये तो सारे तत्व होंगे मौद्रिक घटक। यानी किसी भी तरीके से मनी इनकम में वृद्धि होने से मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि हो रही है, और मनी सप्लाई में वृद्धि होने पर कीमतों में वृद्धि हो रही है, वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही है। तो ये तो हो गया मौद्रिक घटक। अब हम चलते हैं उत्पादन की मात्रा व पूर्ति को घटाने वाले तत्व। तो इसमें अगर हम बात करें प्राकृतिक संकट, अगर मान लीजिए विशेष परिस्थितियों में कोई भी मान सकते हैं जैसे अकाल है, बाढ़ है, कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है, तो उसकी वजह से जो उत्पादन में कमी आती है, तो उस उत्पादन में कमी आने की वजह से आप चूँकि देखिए कि प्रोडक्शन की मात्रा कम हो गई है, अब आउटपुट तो हो गया है कम, अब चूँकि जो जितना बचा हुआ आउटपुट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और इन परिस्थितियों में क्या है कि चूँकि उत्पादन कम हो गया है डिमांड ज़्यादा है ना, यानी सप्लाई आप कह सकते हैं आउटपुट की जो सप्लाई है वो सप्लाई तो हो गई है कम और डिमांड हो गई है ज़्यादा, ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है औद्योगिक संकट। आपने उद्योगों में भी देखा होगा कि कभी हड़ताल, तालाबंदी या ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ है जिससे उद्योगों में कार्य थोड़े से टाइम के लिए रुक जाता है, तो जितने टाइम तक के लिए भी आपका औद्योगिक क्रिया या प्रक्रिया रुक जाती है, उतने टाइम तक अगर उत्पादन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपूर्ति जो है वो कम हो जाती है, और आपूर्ति के कम होने से चूँकि डिमांड अगर उतनी ही है या बढ़ गई है तो ऐसी परिस्थिति में कीमतों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है सरकार की घातक नीतियाँ। अगर सरकार उद्योगों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाती है और लाइसेंस नीति, मान लीजिए कि लाइसेंस नीति के माध्यम से सरकार नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में हतोत्साहित करती है या अनावश्यक विलंब करती है, तो इन सब कारणों से होता क्या है कि चाहे आप कितना ही पूंजी विनियोग कर लीजिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये रुकावटें आती हैं तो उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा, और मांग चूँकि अगर उतनी ही है या बढ़ गई है तो जो बचा हुआ उत्पादन है उस उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यापारिक नीति। अगर अधिक विदेशी विनिमय कमाने तथा देश में विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए आयात को हतोत्साहन तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जावे, तो वस्तु और सेवाओं की उपलब्ध पूर्ति कम हो जाएगी और आंतरिक मांग बढ़ने से मुद्रा प्रसार होगा। ठीक है, कभी कभी देश में ही वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कठोर नियंत्रण लगा दिया जाए तो भी मुद्रास्फीति का को बढ़ावा मिलेगा। आप देखिए कि अगर गवर्नमेंट निर्यात को प्रोत्साहित कर रही है, एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट के बढ़ाने से क्या है, अगर उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाता है तो देश की घरेलू जो मांग है वो घरेलू मांग के अनुसार सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको बाहर निर्यात कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए बाहर से आप कोई इम्पोर्ट नहीं खरीद रहे हैं, बाहर से वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं, तो अगर जो देश में है वो उत्पादन डिमांड के अकॉर्डिंग उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये सब कारण क्या है, कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। नेक्स्ट है
संग्रह प्रवृत्ति, जब लोगों में वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाने तथा मांग अपरिवर्तित रहने पर भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है कि COVID-19 जब आया था तो लोगों ने काफ़ी कुछ अधिक मात्रा में वस्तुओं का संग्रह कर लिया था। ऐसी परिस्थिति में चूंकि उत्पादन कम नहीं था लेकिन वस्तुओं का संग्रह भविष्य को ध्यान में रखकर कर लिया गया, तो अचानक से क्या है कि मार्केट में जो सप्लाई है वस्तुओं की वो सप्लाई कम हो गई और अचानक से उन वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। ये तो पर्टिकुलर परिस्थिति है, लेकिन अगर ये टेंडेंसी हर समय चालू रहती है तो ऐसे में क्या है कि कीमतों में हर बार की बढ़ोतरी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि व मांग, अगर जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है तो मांग बढ़ेगी और उत्पादन अगर उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा तो कम वस्तुओं के पीछे अधिक मांग रहेगी और इससे कीमतों में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट है उत्पादन लागत में वृद्धि, अगर देश के में उद्योगों में श्रम शक्ति की कमी व श्रमिक संघों के दबाव से अगर मजदूरी में वृद्धि होती है या उत्पादन हास्य नियम के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो लागत जनित मुद्रास्फीति का जन्म होता है, क्योंकि वस्तुएं लागत से कम पर नहीं बेची जा सकती हैं। आप ये अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि उसकी वस्तु की कीमत उसकी कॉस्ट से भी कम हो। अब अगर मान लीजिए जो भी फैक्टर कॉस्ट को बढ़ा रहे होते हैं तो उसमें कुछ भी मान सकते हैं आप, मजदूरी है या इसके अलावा ब्याज है या लगान है, जो भी है, जो श्रम जो साधनों को जो भी इनकम मिल रही है, अगर उनकी वो उस इनकम में बढ़ोतरी होती है तो चूंकि कॉस्ट बढ़ गई है प्रोडक्शन करने के लिए, अब उस बढ़ी हुई कॉस्ट पे कोई भी प्रोड्यूसर कैसे अपनी वस्तुओं को कम कीमत पर सप्लाई करेगा। ऐसे में तो वो हानि पे जाएगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो वह अपना व्यापार बंद कर दे, अपना उत्पादन बंद कर दे, या फिर वो कीमतों को भी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बढ़ा दे। ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी व्यापारी हैं वो कॉस्ट को इंक्लूड कर देते हैं अपने आउटपुट की प्राइस पे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जब देश में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन का दौर चलता है तो अल्पकाल में उत्पादन कार्य रुकने से पूर्ति कम हो जाती है तथा मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूँकि जब भी अब टेक्नोलॉजी के ऊपर जब कार्य चल रहा होता है तो थोड़े से टाइम तक के लिए उस संबंधित टेक्नोलॉजी से जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन थोड़े से टाइम के लिए रोक दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अचानक से वस्तु की सप्लाई रुकने से जबकि डिमांड में कोई कमी नहीं आई है तो ये अपने आप में उस वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी कर देगा। तो ये सारे कारण आप कह सकते हैं मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। अब ये चूँकि कहीं ना कहीं उत्पादन से संबंधित है, या तो आप देखिए या तो उत्पादन में कमी आएगी या उत्पादन स्थिर रहेगा कांस्टेंट रहेगा, या फिर उत्पादन जो है उसके बढ़ने की रफ्तार मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने की रफ्तार से कम होगी। ठीक है, तो ये सारे कारण जो कि उत्पादन को कम कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं या धीमी गति से बढ़ा रहे हैं, ये और इससे अंत में कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है और कीमतों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में सारे कारण व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है, धन्यवाद।